गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग देखे थे उसको कैसे स्पर्श करते हैं, जो अभी हमने बताई थी। देखिए आज हम लोग उसको स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पर एन ए सॉलिड स्टेट में है, प्लस हाफ सी एल टू गैसी स्टेट में है, और एच एस ठीक, और जब उसको एच एस की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाए। आप देखिए सोडियम जो है वो गैसी स्टेट में परिवर्तित हो गया सॉलिड से, और हाफ सी एल टू गैसी स्टेट में है। फिर उसको हमने हाफ एच डी की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया तो एन ए गैस की उपस्थिति में है, और फिर सी ए प्लस सी एल टू गैस की स्थिति में है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से एन ए सॉलिड स्टेट हाफ सी एल टू गैस में से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल निकालते हैं, एन ए सोडियम क्लोराइड बनता है। एन ए भी पास नेगेटिव चार्ज, ठीक। और फिर उसको हमने ई माइनस ई एल, यहाँ देखिए आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा हमने सबसे लास्ट रिएक्शन को किया तो सोडियम गैस में परिवर्तित हुआ और एक इलेक्ट्रॉन निकला। फिर उसके बाद उस रिएक्शन को हमने ई एल से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक। और यहाँ पे देखने में समझने वाली चीज़ है, जब हमने यहाँ स्पष्ट करता है कि वह आयनिक यौगिक है। अगर वह आयनिक यौगिक नहीं होगा तो यू का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक। फिर हमने देखिए भार नैवर चक्र की उपयोगिता क्या है, मतलब उसकी क्या उपयोगिता है। अब तक हमने जाना कि भार नैवर चक्र किस समीकरण उदाहरण के द्वारा निम्न प्रकार से समझा, देखिए उसकी उपयोगिता जानेंगे। देखिए इसके द्वारा आयरन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बन तथा जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है, मतलब इन तीनों का मान बार नैवर चक्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फिर देखिए दूसरा, इस चक्र द्वारा यौगिक के स्थायित्व की भी जानकारी भी होती है, मतलब इस चक्र के द्वारा यौगिक के स्थायित्व की, मतलब यौगिक की स्टेबिलिटी कितनी है इसकी भी जानकारी होती है, ठीक। अब देखिए जालक ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में लैटिस एनर्जी कहते हैं, कि जालक ऊर्जा क्या है। यहाँ हमने सब ने पढ़ा कि जालक ऊर्जा होती है सोडियम क्लोराइड। देखिए मुक्त गैसी आयनों द्वारा विद्युत यौगिक के एक मोल बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं, मतलब किसी भी जो गैसी आयन होते हैं, ठीक, और उनके बीच जो विद्युत यौगिक के एक मोल बनने में जो ऊर्जा निकलती है, ठीक। फिर देखिए जालक ऊर्जा का मान बढ़ाने पर आयनिक यौगिकों की स्थायित्व बढ़ता है, मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फिर देखिए आयनिक यौगिकों में जालक ऊर्जा निम्न बिंदुओं के आधार पर निर्भर करता है, मतलब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर जालक ऊर्जा का मान डिपेंड करता है। देखिए पहला, आयनों की उपस्थित आवेशों की संख्या बढ़ती है, जो आयन की उपस्थित आवेश होती है जब उनकी संख्या बढ़ती है
भौतिक है तो इसके आधार पर। ठीक, देखिए जालक ऊर्जा का मान पढ़ता जाता है। फिर देखिए अगला नंबर, आयनों के बीच की दूरी घटने पर आयनों के मध्य लगने वाला बल व जालक ऊर्जा का मान पढ़ता जाता है। देखिए आयनों की त्रिज्या घटने पर जालक ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड के जालक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखें। इसको लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार में जालक का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो सबसे अधिक देखिए सोडियम फ्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड जो है वो सबसे कम उसकी जालक ऊर्जा है। ठीक, कारण क्या है देखिए इसमें सोडियम धनायनों की त्रिज्या सब में समान है, मतलब सोडियम सभी में सभी धन उसकी त्रिज्या सम अतः जिस रिडायन की त्रिज्या सबसे छोटी होगी उसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी। यहाँ रिडायनों की त्रिज्या का देखिए बढ़ता हुआ क्रम क्या है। ठीक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, इसीलिए सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी। फिर एक क्वेश्चन देखिए, के आई और एम जी ओ में किसका गलनांक अधिक होगा। यहाँ देखिए एम जी ओ में आवेशों का गुणनफल के आई से लगभग 4 गुना अधिक है। ठीक, इस कारण से एम जी ओ की जालक ऊर्जा के आई से अधिक होगा, जिससे एम जी ओ का गलनांक के आई से उच्च होगी। ठीक, तो यहाँ पे आवेशों का गुणनफल कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए एम जी को और ओ को जब अलग करेंगे तो एम जी पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और जबकि पोटेशियम आयोडाइड पर केवल वन चार्ज आएगा। ठीक, इसीलिए देखिए पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में किसका स्थायित्व उच्च है, मतलब किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का स्थायित्व KCl से उच्च होगा, क्योंकि कैल्शियम पर आवेशों की संख्या 2 तथा पोटेशियम पर आवेशों की संख्या 1 है। ठीक, तो आज इतना ही, कल इसके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।